हेलो इंजीनियर साहब, सभी का स्वागत है सिविल गुरु जी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरु जी, जहां सिविल इंजीनियर करियर की बात होती है कि एक सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इन्हेंस कर सकता है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज की टॉपिक हम जानेंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हैं अगर हमारा रूम का कंस्ट्रक्शन होने वाला है या वॉल का कंस्ट्रक्शन होने वाला, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा, उसमें हमारा लगने वाला मोटार कितना लगेगा, बात करें उस मोटार में हमारा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। अगर आप भी अगर नहीं निकाल पा रहे नंबर ऑफ ब्रिक, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, आपको ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब वो करना क्या है, एक नोटबुक ले लेना है और एक पेन ले लेना है, ताकि आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते रहे। आज हम नहीं, आज हमारे ट्रेनिंग जैसे आपको डिटेल में बताएंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप इसी तरह से ऑनसाइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कॉल करें 9111001234 पे और पता करें अपना नजदीकी सेंटर कौन सा हो सकता है। तो बिना देर के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम आसिफ है और हम आज बात करेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में। ठीक है, तो क्वांटिटी सर्वे में आज हम जानेंगे कि एक जो हम ब्रिक वॉल है उसका हम उसमें से ब्रिक का क्वांटिटी, सीमेंट, सैंड कैसे निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये जो हमारा है ब्रिक वॉल है, जिसका लेंथ हमारा दिया है 2.5 मीटर और जो हमारा विड्थ है वो दिया है 0.2 मीटर। जो हमारा ब्रिक वॉल का हाइट दिया है वो दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। जो हमारा ब्रिक वॉल है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले जानते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा तीन जो हमारा डायमेंशन है, तीन डायमेंशन लेते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। तो जो हमारा ब्रिक का जो हमारा लेंथ है वो 2.5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रिक वॉल का वॉल्यूम निकाला हुआ है, जो कि हमारा लेंथ हो गया 2.5 और जो हमारा विड्थ हो गया 0.2, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो हमारा हाइट है ब्रिक वॉल का वो है 2 मीटर, जो कि हम ये हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये हमारा निकल के आया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा ब्रिक वॉल का जो वॉल्यूम निकल के आया वो है 1 मीटर क्यूब। अब हम 1 मीटर क्यूब में देखेंगे कि हमारा कितना ब्रिक लग रहा है, कितना सैंड लग रहा है, कितना सीमेंट लग रहा है। तो इसके लिए आइए हम कुछ देखते हैं। पहले जो हम इसमें ब्रिक वॉल में जो हम अपना मोटार यूज कर रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिकल मोटार है। ठीक है, जो कि जिसका रेशियो होगा 1:5। ठीक है, और जो हमारा ब्रिक का साइज होगा, तो ब्रिक का साइज जो एक्चुअल साइज होगा, जो कि विदाउट मोटार होगा, वो होगा हमारा 190 × 90 × 90 mm। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होगा ब्रिक का, जो विथ मोटार होगा, उसका हमारा साइज होगा 200 × 100 × 100। ये हमारा 200 कहाँ से आया, ये हमारा आया है, जैसे कि हमारा एक्चुअल साइज है 190, तो ये 200 जो है ये हमारा 10 mm जो इसका हम एक्स्ट्रा लिए हैं वो हमारा मोटार होता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम ब्रिक वर्क का काम करते हैं तो उसमें हमारा मोटार लगता है, तो जो मोटार का थिकनेस होता है ब्रिक वॉल में वो 10 mm का होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको 200 × 100 × 100 करके लिया है, जिसका ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया। एक्चुअल ब्रिक का भी हमने वॉल्यूम निकाला है, तो हमारा वॉल्यूम निकल के 0.0153 मीटर क्यूब। ठीक है, और जो हमारा विथ मोटार साइज है ब्रिक का वो है 0.002 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो आइए हम ब्रिक का नंबर निकालते हैं कि 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना ब्रिक लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, जो कि हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल हमारा 1 मीटर क्यूब आया है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ही करेंगे, पुट करेंगे, और उसके बाद हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार है हमारा। ठीक है, तो विथ मोटार हमारा कितना आया था वॉल्यूम, जो कि हमारा आया था, ये आया था हमारा विथ मोटार वॉल्यूम वन ब्रिक का 0.002। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब हमारा वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब और जो हमारा ब्रिक का वॉल्यूम है वो है हमारा 0.002। तो जब हम इसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक निकल के आ रहा है 500 नंबर ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो हमने तो नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लिया, 500 हमारा आया। अब हम इसमें निकालते हैं कि हमारा सीमेंट का क्वांटिटी कितना लगेगा, मतलब कि सीमेंट कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना सीएफटी हमारा सैंड लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम मोटार का वॉल्यूम निकालते हैं। तो आइए हम मोटार का वॉल्यूम निकालते हैं। तो मोटार का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, जो कि ये हमारा है 1 मीटर क्यूब, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल निकल के आया है। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक कौन है, नंबर ऑफ ब्रिक ये है हमारा जो 500 नंबर निकल के ब्रिक का आया है, और इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ विदाउट मोटार। तो नंबर ऑफ ये आ गया हमारा, ठीक है, विदाउट मोटार जो हमारा वन ब्रिक का वॉल्यूम था ये आ गया हमारा, जो कि हम पहले से आपको निकाल के बता चुके हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जब हमारा ये है
टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, तो ये हमारा 1 m³ था और हमारा नंबर ऑफ ब्रिक कितना निकल के आया था 500, ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा ये विदाउट मोटार निकल के आया था हमारा जो ब्रिक का वॉल्यूम, वो ये हो गया हमारा, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोटार का वॉल्यूम निकल के आएगा 0.0235, ठीक है, यह हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो ये हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ मोटार में हम देखेंगे कि हमारा सीमेंट का क्वांटिटी कितना है और सैंड का क्वांटिटी कितना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हम चलते हैं सीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो सीमेंट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सीमेंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो वॉल्यूम ऑफ हमारा मोटार क्या हो गया, जो ये हमारा निकल के आया है, ठीक है। और ये जो हम इंटू ड्राई कोएफिशिएंट करते हैं, ड्राई कोएफिशिएंट ये हमारा क्या बोलते हैं मोटार के लिए 0.34 होता है, ठीक है, तो इसको हम इंटू करते हैं, ठीक है, और बटा सौ ऑल रेशियो, ठीक है, इंटू पार्ट ऑफ सीमेंट। तो आइए हम यहाँ पे अपना पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ मोटार और ये हो गया हमारा ड्राई कोएफिशिएंट, ठीक है। और जो हमारा सम ऑल रेशियो था, जो कि हमने यहाँ पे इकोनॉमिकल रेशियो हम लोग काम किए हैं, जिसका रेशियो है 1:5, ठीक है, तो वही ये हमारा पे है सम ऑल रेशियो में 1:5, ठीक है, इंटू 1, ये पार्ट ऑफ सीमेंट है हमारा, पार्ट ऑफ सीमेंट हमारा इसमें क्या है, ये है, ठीक है, 1, तो इंटू 1 कर दिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है, 0.0524, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट तो आपको पता है कि वॉल्यूम में तो मिलता नहीं है सीमेंट हमारा, जो कि क्यूबिक मीटर में निकल के आया, तो क्यूबिक मीटर में हमारा सीमेंट मिलता नहीं है, ये मिलता है बैग में हमको, ठीक है। तो बैग में हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो केजी में चलिए हम कन्वर्ट करके इसको देखते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो डेंसिटी सीमेंट का डेंसिटी जो कि हमारा होता है 1440, ठीक है, 1440 इसका डेंसिटी होता है। तो इसको हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये केजी में निकल के आएगा। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा केजी में निकल के आया 75.576, ठीक है। तो जब ये केजी में निकल के आ गया तो आपको तो ये जनरली सबको पता है कि वन बैग सीमेंट में हमारा कितना केजी होता है, वन बैग सीमेंट में हमारा 50 kg होता है, ठीक है। तो जब वन बैग में हमारा 50 kg होता है तो हम जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बैग निकल के आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है 50 से, तो हमारा निकल के आया है 1.511 बैग, ठीक है। तो 1.5 बैग तो हमको मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो बैग लेंगे, ठीक है। तो हमारा सीमेंट का जो क्वांटिटी निकल के आया वो 2 निकल के आया, 2 बैग ऑफ सीमेंट निकल के आया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सीमेंट निकाला, अब ऐसे ही हम सैंड को भी सैंड का भी क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो सैंड का क्वांटिटी निकालने के लिए एकदम सेम फार्मूला होगा, जो कि हमने सीमेंट के लिए जो फार्मूला लगाया था वो यहाँ पे भी सैंड के लिए भी वही सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ मोटार इंटू ड्राई कोएफिशिएंट सम ऑल बाय सम ऑल रेशियो इंटू पार्ट ऑफ, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सैंड निकाल रहे हैं, तो सैंड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा चेंज होगा, पार्ट ऑफ सैंड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सीमेंट के लिए निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमारा क्या था, पार्ट ऑफ सीमेंट था, तो यहाँ पे हम सैंड के लिए निकाल रहे हैं तो पार्ट ऑफ सैंड होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमारा मोटार का वैल्यू कितना था, 0.235, ठीक है, इंटू हमारा ड्राई कोएफिशिएंट, आपको पहले ही बताया है कि हम मोटार के लिए 1.34 ड्राई कोएफिशिएंट लेते हैं, तो इसको इंटू करेंगे बाई सम ऑफ ऑल रेशियो, जो कि हमारा रेशियो क्या था, 1:5, तो दोनों को हम जोड़ते हैं। और इसमें हमारा क्या था, पार्ट ऑफ सैंड, पार्ट ऑफ सैंड इसमें हमारा क्या है, 1 हमारा पार्ट ऑफ सीमेंट हो गया था और सैंड हमारा जो कि है, सैंड का पार्ट जो है हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो हम इसको 5 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर दिए तो कैलकुलेट करके हमारा सैंड का वॉल्यूम इतना आ रहा है, ठीक है, 0.262 क्यूबिक मीटर। तो हमारा जो सैंड है वो भी हमारा क्यूबिक मीटर में तो मिलता नहीं है, ये मिलता है हमारा सीएफटी में, ठीक है। तो इसको आइए हम सीएफटी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सैंड इन सीएफटी, ठीक है, तो 1 m³ में हमारा 35.31 सीएफटी होता है, ठीक है। तो इसको जनरली हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि जो हमारा वॉल्यूम सैंड का आया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये 35.31 से। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा इतना 9.251 सीएफटी, ये हमारा एक्चुअल जो कि हमारा सैंड का क्वांटिटी निकल के आया। तो आज के टॉपिक हमने क्वांटिटी सर्वे में सीखा कि एक ब्रिक वॉल
को कंस्ट्रक्ट करने में हमारा कितना ब्रिक लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा, ठीक है। तो आज हमने ये सब सीखा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में पिन करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।